योगा द्वारा ठंड को गायब। जी, ऐसी ही आपने बहुत सारी वीडियोस YouTube पर देखी होंगी, तो आज हम भी पेश करते हैं। 2 मिनट में एकदम ठंड बिल्कुल भाग जाएगी। इसके लिए एक ही आसन है, वो है कंबल चाय आसन। विश्वास नहीं हुआ ना? कैसे होगा विश्वास, आप मूर्ख थोड़ी हैं, आप भी जानते हैं, और जल्दी किस बात की है? ऐसे कोई सर्दी दूर होती है? ये तो सिर्फ बहलाने वाली बातें हैं। यदि वाकई में आप सर्दी को दूर करना चाहते हैं, तो आइए इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं, दोनों एल्बो को लगाएं, मुट्ठियां बनाएं, नाभि पर एल्बो लगाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं, और इस प्रकार यथासंभव अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू करें। पहले दिन हो सकता है कि आप कम समय बैठ पाएं, लेकिन इस आसन में आप धीरे धीरे अभ्यास के साथ लंबे समय तक बैठ पाएंगे। मित्रों, इस आसन का नाम है कूर्मासन। यह आसन आपके पसीने छुड़ा देगा। जी हाँ मित्रों, जो करता है वही जानता है, यानी कि आप करेंगे और आप जान जाएंगे कि वाकई ये कूर्मासन कितना लाभदायक है। सर्दियों में करने वाला एक बहुत ही अच्छा आसन है। उसके अलावा जितनी भी गत्यात्मक क्रियाएं हैं, जैसे सामने की ओर पैरों को खोलकर नौका चालन की क्रिया है या सूर्य नमस्कार की क्रिया है, तो ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं, गत्यात्मक क्रियाएं हैं, बहुत श्रम वाले आसन हैं, जो कि आपको सर्दी में बहुत अधिक लाभ देंगे। उसके अलावा कुछ प्राणायाम हैं, जैसे कि हमारी धौंकनी, धौंकनी से हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। सूर्यभेदी प्राणायाम हमें बहुत गर्मी देता है। तो क्या इनकी विधि है, उसके लिए हमारी सेपरेट विधि है, बट इस तरीके की किसी भी बहलावे में ना आए कि 2 मिनट में चर्बी गायब, 2 मिनट में बाल एकदम काले, ऐसे किसी भी भ्रामक वीडियो को ना देखें ना पसंद करें, बल्कि वास्तविकता की धरातल पर पैर रखें। और ये जो अभी आसन आपको बतलाया गया है, इसका यदि आप अभ्यास करते हैं आधा घंटा, तो आपको मिलेगा सर्दियों में भी गर्मियों का एहसास, यानी कि बहुत अधिक आपको इससे लाभ मिलेगा। आप करके तो देखिए, 2 मिनट ना सही, 30 मिनट ही सही, लेकिन उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और वो सब आपको पता है, बेल आइकन वगैरह वो नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ये आप सब जानते हैं। जो इच्छा की करे वो कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। प्रणाम।